Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं आपका चैनल ब्लॉक्स ऑफ सी वन के टू यार गाइस। तो मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का प्यारा होस्ट सी वन के टू। तो यार गाइस, आज का वीडियो जो होगा बहुत ही खास मजेदार होगा, क्योंकि हम टेस्ट करने वाले हैं एक्टिवा के इंजन पावर को, उसके ऑफरन क्षमता को, उसका जो 110 सीसी का इंजन, उसको टेस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ मेरे घर से थोड़े ही नज़दीक में एक जगह है जहाँ पे टू व्हीलर क्रॉस कर सकता है, लेकिन थोड़ा हार्ड है। तो वहाँ पे हम एक्टिवा को चला के देखेंगे और देखते हैं कि यह क्या ऑफ रोड कर पाता है, क्या ये ऑफ रोड करने वाला स्कूटी है। तो चलिए यार, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यार, सबसे पहले बता दूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो ब्लॉग्स लाता रहूँगा क्वारंटाइन हॉलीडेज के बाद। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय यार गाइस। मेरे साथ दो मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे को वीडियो बनाने में सपोर्ट करेंगे, ये कैमरा पकड़ेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तो आज मैं इन दोनों के साथ ही जा रहा हूँ। इनसे आप पहले वाले ब्लॉग में भी मिल चुके होंगे, अगर नहीं मिले तो जाके एक बार मेरा हॉन्टेड ब्लॉग देख लो, इससे पहले जो आया था मेरे चैनल पे। तो यार चलो चलते हैं लोकेशन पे। तो ऑल राइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। तो आप जैसा देख सकते हैं मेरा पीछे पूरा ये लोकेशन है, और हम इधर इधर आप देख सकते हैं, हम यहीं पे ऑफ रोडिंग करेंगे। नीचे ले जाएंगे अभी अपने गाड़ी को, नदी में भी उतारेंगे, जो यहाँ का छोटा सा नदी उसमें भी उतारेंगे, फिर वहाँ से ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो यही सब आज हम टेस्ट करने वाले एक्टिवा का पावर, इंजन पावर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब गाड़ी कर रहा हूँ, रोडिंग हो रहा हूँ। ओह माय गॉड, गाड़ी तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत हार्ड है, यहाँ गाड़ी चल रही है। विभिन्न मैं कर रहा हूँ अब आठ लोगों। ओह माय गॉड, ओह दिस बैलेंस हो रहा है। देख रहे हो कैसे हम लोग यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, और इधर आसपास का नजारा मेरा कैमरा मैन दिखाएगा। तो यार एक बार दिखाओ, और इधर नीचे का भी दिखाओ जहाँ पे गाड़ी जाने का। तो अभी फिलहाल तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हो, अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने जगह पे। ए भाई थोड़ा हट ना रे, कल्टी देख। तो देख सकते हैं यहाँ से अभी गाड़ी को उतारना है, और इधर इधर का कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ पे, देख सकते हो। अभी हम वहाँ पर उतारेंगे गाड़ी को, जहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है बीचों बीच। ये नदी बरसाती नदी है, जो अभी सूख चुकी है, फिलहाल थोड़ा सा ही पानी बचा है। तो यहाँ से देखते हैं कि एक्टिवा यहाँ से जाने सकता है कि नहीं। उसके बाद हम वहाँ ऊपर देख सकते हो, वहाँ चढ़ाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर चढ़ाएंगे हम गाड़ी को, यहाँ तक का टेस्ट करेंगे, अगर देखते चढ़ता है कि नहीं। अगर ज़्यादा नहीं चढ़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि गाड़ी अभी सर्विस नहीं हुआ, क्योंकि क्वारंटाइन हॉलीडेज चल रहा था। तो गाड़ी को सर्विस कराने के लिए सर्विस स्टेशन भी नहीं खुला हुआ है, तो यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मैं देखना चाहता था कि एक्टिवा का कितना पावर है। तो चलिए और यार वीडियो को दिखाते हैं ऑफ रोडिंग करके। तो चलो यार गाइस, तो फिलहाल हम गाड़ी को उतारते हैं यहाँ से नीचे। तो कैमरामैन भाई थोड़ा नजदीक आ जा, थोड़ा नजदीक आ। तो यार चलो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उतारते हैं। तो ये हो गया मेरा गाड़ी स्टार्ट कर रहा, उतार रहे हैं गाड़ी को। ओह माय गॉड, संभाली थी हम, फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। गाड़ी फंस गया।
तो यार यहाँ तक तो हम पार कर चुके हैं, अब इसके आगे का रास्ता चलो पार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इधर कितना चढ़ान है, यहाँ देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक बार चढ़ाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं गाड़ी चढ़ता है या नहीं। तो चलो फिर से एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और उधर आप देख सकते हो कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, इधर दिखा देख सकते हैं उधर कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं और इधर पशु चढ़ रहे हैं। तो अब चलो हम गाड़ी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलो चलो यार, तो चलो यार गाइस। तो अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग तीनों एक साथ बैठ चुके हैं, क्योंकि गाड़ी उससे ऊपर नहीं चढ़ रहा था क्योंकि ये खड़ा चढ़ान है। आप देख सकते हो जस्ट हमारा पीछे देख सकते हो ऐसे ये चढ़ाई है पूरा। तो यहाँ पे एक्टिवा चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा अगला जो मेरा आगे वाला टायर है वो थोड़ा प्लेन हो चुका, पुराना हो चुका है। पिछला टायर मेरा ठीक है, नया है, लेकिन आगे वाले टायर के कारण हम चढ़ नहीं पा रहे थे और उसका जो इंजन कैपेसिटी इससे ज़्यादा ले भी नहीं रहा था। शायद हम इंजर्ड हो सकते थे या गाड़ी पलट सकता था, इससे हमें भी चोट आती, गाड़ी भी बैंड होता। तो इस चलते हमने छोड़ दिया, उसे ज़्यादा प्रयास नहीं किया क्योंकि ज़्यादा प्रयास करके कोई फायदा नहीं था क्योंकि फेल हो जाता। तो अब हम जाएंगे नदी में, नदी में ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, अप्रैल मंथ है। तो थोड़ा बहुत हम अपने गाड़ी से ही पानी वाला स्टंट करेंगे, पानी में कैसे हम अपने गाड़ी को ये गाड़ी से पानी उछालेंगे ये सब करेंगे। तो चाहिए यार देखते रहो वीडियो को। तो यार गाइज अभी तो हमारा गाड़ी यहाँ चढ़ नहीं पाया क्योंकि हमें जो रफ्तार चाहिए था वो जनरेट नहीं हो पा रहा था। अगर यहाँ से देख सकते हैं एक बार आप ये ट्रैक दिखाया जाए वीडियो में, तो देख सकते हो आप कितना हाइट है यहाँ पे जो चढ़ान है, इससे यहाँ पे भी थोड़ा कमी जगह है जिससे कि यहाँ से हमारा जो स्पीड है वो जनरेट नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारा गाड़ी चढ़ नहीं पाया। वहाँ पे जो ये जो खड्डा है इससे भी गाड़ी जो था चढ़ नहीं पा रहा था। तो हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इससे अगर गाड़ी पलटता तो मुझे भी चोट आती और गाड़ी को भी नुकसान होता, इसलिए हमने ये प्लान को कैंसिल किया। और अब हम फिर वापस जाएंगे और वहाँ से गाड़ी को खड़ा करेंगे नदी में, जैसे नदी थोड़े थोड़ा पानी जो बच गया है उसमें खड़ा करेंगे और गाड़ी से पानी को इधर उधर उड़ाएंगे गाड़ी को स्टार्ट करके। देखते हैं कुछ कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं पानी में गाड़ी के साथ। तो चलिए यार वीडियो को देखते हैं। तो गाइस अभी जैसे आप देख सकते हैं ये जो मेरा टायर है ये पूरा धुल चुका है, देख सकते हो पूरा साफ हो चुका है, जितना भी मिट्टी लगी थी इंजन के अंदर सब धुल गया क्योंकि जो गाड़ी था वो सीधे बीचों बीच पानी में डूब चुका था। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पानी पूरा दिख सकता है आपको जैसा कि, और इंजन काफ़ी गर्म हो चुका है, इधर भी पूरा पानी घुस चुका है और पूरा चीज़ मेरा धुल गया क्योंकि ये जो गाड़ी था बीच ही जो इसका टायर था लगभग आधा डूब चुका था पानी में, जिससे कि ये पूरा धुल गया। तो यार इसी सब के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, साथ ही लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे एक बार फिर से बोलता हूँ नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।